आया क्या बोल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप? तो आज हम लोग यहां पर इसलिए लाइव हैं क्योंकि आज एक टेस्ट होने वाला है आपका, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का। और जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन का वेटेज है वो बहुत ज्यादा फिजियोलॉजी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर और सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आज हम कुछ शॉर्ट में बहुत कुछ बात जो है वो करने वाले हैं क्योंकि शॉर्ट में हम लोग ये चाहते हैं कि इसको कैसे रिवाइज कर लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नोट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो शॉर्ट नोट हैं और वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे नीट में जो है इसी एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग लाइन टू लाइन इसके जो है बारे में थोड़ा अध्ययन कर सकें और जो जो आपको याद नहीं रहा है उसको फटाफट मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो कुछ आपके सामने ये सारा जो नोट्स प्रिपेयर किया गया है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है और इसकी लाइन टू लाइन हम कुछ अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी बातें जो हैं आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। और मैं अपने मोबाइल पर भी आप लोगों के चैट बॉक्स में जो है देखूंगा अभी कि एक बार मोबाइल मुझे मिल जाए मेरा, तो उसके बाद अर्णव आप मोबाइल दो। तो मोबाइल में आपका जो है मैं चैट जो है वो बॉक्स खोले रखूंगा और उस दौरान जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का आप आंसर जो है वो मुझे देते रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इसके लाइव सेशन को हम शुरू करते हैं और शुरू करने पर अपन देखते हैं कि आज आपका जो टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ आपकी तैयारी जो है फास्टली हो जाए उसके लिए यहाँ पर कुछ अपन शुरुआत करते हैं न्यूरल कंट्रोल की। तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी एक्टिविटीज की। तो यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली ये बात है, इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व वो इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो पेज खुला है उसके अंदर हम जो खास बातें हैं उसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व इसमें इंक्लूडेड है। अब ये पूरा सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स उनसे बना है और उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है उसकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरल सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हुआ करता है। तो यहाँ हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इट कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, डेंड्रॉन एंड एक्सन। तो अब यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने मैं पेंसिल ले लेता हूँ और इस पेंसिल से यहाँ देखते हैं हम कि ये जो
पार्ट है जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये साइटोन है। तो इस साइटोन पार्ट जो है उसको हम देख पा रहे हैं यहाँ। और उसके बाद उस साइटोन में आपको क्या खास ध्यान रखना है, तो उसको ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर फिर हाईलाइट कर देता हूँ, और उस हाईलाइटर जो है उससे यहाँ शुरुआत करते हैं। निजल्स ग्रेन्यूल, तो निजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, शायद आप लोग सभी जो हैं इसके बारे में अवेयर होंगे। तो ये रफ ईआर के बने होते हैं, और रफ ईआर जो है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं यहाँ पर। रफ ईआर अगर आपके सामने ऑप्शन आए तो उसे पहले करना है, अगर नहीं तो उसके बाद आरएनए प्लस प्रोटीन का ये बना होता है। तो क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, तो राइबोसोम या फिर रफ ईआर या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन, उनसे ये ग्रेन्युलर बॉडीज बनी होती हैं। और इसके बाद सेल बॉडी के बाद खास बात जो आती है, इसके छोटे छोटे जो प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं हमें, उन्हें देख सकते हैं हम, जैसे ये डेंड्रॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि सेल बॉडी पहली और साइटोन जिसको कहते हैं, और डेंड्रॉन्स जो हैं वो शॉर्ट फाइबर शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं जो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इस डेंड्रॉन को देख पा रहे हैं हम। डेंड्रॉन के सब ब्रांचेस जो होती हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब ये डेंड्राइट्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं टूवर्ड्स दी साइटोन इम्पल्स को। ये अपने को ध्यान रखना है कि किस तरफ इम्पल्स को लेके आती हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्सन जो है वो लॉन्ग फाइबर है जो कि यहाँ पर ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी अगर हम देखें तो यहाँ इस तरह से इसको हम ले सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को। अब जो ब्रांचिंग होगी एक्सन की उनको एक्सोनाइट कहते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये छोटी ब्रांच जो है वो एक्सोनाइट कहलाती है। इस एक्सोनाइट जो होती है वो एंड होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम सिनेप्टिक नोव कहा करते हैं। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि सिनेप्टिक नोव इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हम लेके चलते हैं, और उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है उस पर यूनिपोलर आपको ध्यान रखना है, बाइपोलर और मल्टीपोलर, इन तीन को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सबसे पहले यूनिपोलर के अंदर तो कोई डेंड्रॉन नहीं होता, ये खास बात है, तो ओनली वन एक्सन होता है। और बाइपोलर के अंदर वन एक्सन और वन डेंड्रॉन ये दोनों हुआ करते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मल्टीपोलर जो होगा उसमें टू और मोर डेंड्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप जो न्यूरोन है वो यही है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन यूनिपोलर जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो हम देख सकते हैं यूनिपोलर जो हमको न्यूरॉन प्रेजेंट दिखते हैं वो एम्ब्रियो में होते हैं, एम्ब्रियोनल कंडीशन में होते हैं, जबकि बाइपोलर न्यूरॉन्स जो है वो रेटिना के अंदर होते हैं। हालांकि रेटिना के अलावा भी ये पाए जाते हैं, जैसे क्रिस्टा, मैक्यूली, इन जगहों पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से इनको हमको ध्यान रखना है, न्यूरॉन्स के टाइप को। फिर टाइप्स ऑफ एक्सन, जो एक्सन है उसके अंदर या तो माइलिन शीथ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हम ये देख सकते हैं कि माइलिनेटेड एक्सन्स जब होते हैं तो माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाते हैं। तो इनको हम ये कह सकते हैं कि एक टाइप तो ये हो सकता है, और दूसरा टाइप यहाँ पर हो सकता है नॉन माइलिनेटेड एक्सन का। तो नॉन माइलिनेटेड एक्सन जो है वो यहाँ पर अपने को और दिखाई देंगे। तो दो टाइप के एक्सन हो सकते हैं यहाँ पर, एक तो जो एनवेलप होते हैं श्वान सेल से, एनवेलप विद श्वान सेल, और उसके बाद माइलिन शीथ जो होती है उसको वहां पर इस श्वान सेल से बनाया जाता है। और जब माइलिन शीथ बनाया जाता है तो आपको इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो ये स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ये सीएनएस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के अंदर प्रेजेंट होंगे। और माइलिन शीथ जो होती है व्हाइट कलर्ड होती है,
तो व्हाइट कलर होने का कारण भी है। व्हाइट कलर क्यों होती है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो इस व्हाइट कलर्ड एरिया से बना हुआ जो भी मैटर अपने को दिखाई देता है न्यूरल सिस्टम में, उसको व्हाइट मैटर कहते हैं। अब जब भी माइलिन शीथ होगी तो उसके बाद ये स्वान सेल फूल जाएंगे, और फूलने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच में यहाँ नोड्स दिखाई देंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ, उनको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसमें श्वान सेल तो प्रेजेंट होती है लेकिन माइलिन शीथ नहीं होती, तो यहां आपको ध्यान रखना है नो माइलिन शीथ। तो ये जो पार्ट है अपने को ध्यान रखना है। ये ग्रे कलर के दिखाई देंगे क्योंकि माइलिन शीथ है नहीं जो कि व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है इसको, तो ये ग्रे मैटर जो है उसका फॉर्मेशन करने के लिए नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो काम आते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये देख सकते हैं ANS और SNS इन पर प्रेजेंट होंगे क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इनकी बहुतायत पाई जाती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शुरुआत में किस तरह से आप इसके शुरुआत को आप देख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो होती है उसका कंडक्शन कैसे होता है, उसके थ्री स्टेप्स में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है जो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिखाने वाली जो सेल होती है उनमें से एक तो होती है जिसको न्यूरॉन कहते हैं और दूसरा हम जिसको मसल्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह की स्थिति हो सकती है। हाँ, यहाँ पर कुछ यूनिपोलर न्यूरॉन जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हंसिका है वो यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में कुछ लिख रही हैं, तो हमने उसको डिस्कस कर ही लिया है कि यूनिपोलर वो होता है। ए पोलर भी होता है एक, जिसको हम सिलेंट्रेट्स के अंदर देखते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर है तो उसको हम एक बार डिस्कस नहीं कर रहे। उसके लिए एक फुल हम लेक्चर जो है वो विद स्लाइड्स जो है उसको शुरू करेंगे। आज हमें फटाफट इसका रिवीजन करना है, इसलिए इसको ऐसा कुछ कर रहे हैं हम कि एनसीईआरटी की खास खास बातें जो है उन्हीं को हम डिस्कस कर लें। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो भी है उसके लिए एक लेक्चर जो है उसको हम डालेंगे और उसके अंदर कुछ बियॉन्ड जो उससे ऊपर जा सकता है उस सारे क्वेश्चंस को उसमें लेंगे। तो अभी हम एनसीईआरटी जो है उसकी लाइन टू लाइन जो है चीजें उनको देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है इम्पल्स कंडक्शन या इम्पल्स ट्रांसमिशन, इसके थ्री स्टेप्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्री स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पर कौन से होते हैं। तो इनमें से अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला है जिसको हम कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखिए इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसको मेंटेन करना, तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे। कोई भी सेल जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिखाती है उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी दिखाने वाले सेल के अंदर मेम्ब्रेन जो होता है उसके बाहर और अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कुछ पोटेंशियल डिफरेंट होने का क्या कारण है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूरल मेम्ब्रेन जो है उसमें उसको हम कह सकते हैं कि वो सेलेक्टिव परमीबल आयन चैनल्स रखती है। तो इसमें कुछ आयन चैनल्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर सेलेक्टिव परमीबल आयन चैनल्स कहते हैं। रेस्टिंग न्यूरॉन के समय जो होता है, जैसे रेस्टिंग न्यूरॉन जो है उसके समय जब कंडक्ट नहीं कर रहा है वो इंपल्स को, तो उस समय क्या स्थिति होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ यूं देख सकते हैं कि उस समय पोटेशियम आयन जो होते हैं उसके लिए एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है वो मोर परमेबल होती है। तो ये अपने को एक तो ध्यान रखना है कि मोर परमेबल किसके लिए होती है और नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन्स, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि जब
रेस्टिंग न्यूरॉन होता है तो वो परमिएबल किसके लिए होता है, पोटेशियम आयन के लिए। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं ये ऑल्सो इम्परमिएबल होती है नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के लिए जो एक्सोप्लाज्म के अंदर रहते हैं, तो उसको हम यहां पर देख सकते हैं। फिर इस कारण से क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन एक्सोप्लाज्म इज हाई, उस समय हाई हो जाती है, और उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज लो, क्योंकि अंदर सोडियम जो होता है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अपन ये देख सकते हैं कि जो फ्लूड आउटसाइड द एक्सन होता है, आउटसाइड द एक्सन, तो उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर हम लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम देखा करते हैं और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यहाँ सोडियम देखा करते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन पोटेशियम की कहाँ होगी और हाई कंसेंट्रेशन सोडियम की कहाँ होगी। तो अब अपन देख सकते हैं जो पोटेशियम चैनल होते हैं, वो पोटेशियम चैनल जो होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो इस आयन कंसेंट्रेशन के ग्रेडियंट जो है उसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करने की वजह से अंदर से पोटेशियम निकल कर बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव आयन्स की कमी होती है और एक आयनिक या कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन वो बनता है। यहाँ बनने का कारण क्या है उसको हम ये देख सकते हैं। अब आयनिक ग्रेडियंट जो है उसको मेंटेन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि वहां पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप भी लगे होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो यहाँ पर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो अंदर तीन सोडियम आयन्स होते हैं उनके एक्सचेंज में टू पोटेशियम आयन को अंदर दे देते हैं। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर देख पाते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाता है, यहाँ पर आयन ग्रेडियंट क्यों बन जाता है, और ये पोलराइज मेम्ब्रेन क्यों हो जाती है, उसके बारे में अपन ये देख रहे हैं। तो अब अगर इसको हम एक काम और कर सकते हैं इसमें कि इसी चीज को हम यहाँ पर इंटरेक्टिव बोर्ड से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ करता है। तो यहाँ आपके सामने जो है वो दिखाई दे रहा होगा एक बोर्ड, और इस बोर्ड जो है उसके थ्रू अपन ये देख लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन जो होती है वो किस तरह की दिखाई देती है अपने को। तो यहाँ मैं इस एक्सन के छोटे से पार्ट को बना देता हूँ, और ये छोटा सा पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ एक चैनल बना देते हैं, और उसके अलावा ये दूसरा एक चैनल और यहाँ पर बना दिया जाए, और एक यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप बना दिया जाए। तो इस पे अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है अपने को, छोटा सा पार्ट, और इस पार्ट को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर इस पे ये कहूं कि ये वाला जो है वो पोटेशियम चैनल है और ये वाला जो है वो सोडियम चैनल है, तो इन सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल को हम वोल्टेज गेटेड मानते हैं, और वोल्टेज गेटेड होने पर जो आयन कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मूवमेंट होता है। पहली बात तो यहाँ पर शुरुआत में जो हम बात कर रहे हैं पोलराइज मेम्ब्रेन जब होती है तो ये चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो ओपन होने की वजह से अंदर पोटेशियम आयन्स ज्यादा हैं तो उनकी यहाँ एग्जिट होता है उनका, जबकि यहाँ सोडियम चैनल्स क्लोज्ड हैं, तो यहाँ सोडियम चैनल अभी क्लोज्ड है। अब यहाँ पर अगर पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इसका मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हो रही हैं उसकी वजह से भी अंदर नेगेटिव चार्ज हो रहा है। हाँ, यहाँ पर सोडियम भी है लेकिन सोडियम आयन्स जो हैं वो कम है बाहर की तुलना में, तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो ये एक ग्रेडियंट बना हुआ है। लेकिन अब जब हम इस पंप की बात करते हैं तो इसको
सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पंप एटीपी गेटेड होता है, यानी अगर यहां पर एटीपी दिया जाए तो अगेंस्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां मूवमेंट हो सकता है, और उसी ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब मूवमेंट कराया जाता है तो यहां से जो सोडियम अंदर है उनमें से 3 सोडियम को बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर ले लिया जाता है 2 पोटेशियम। तो 2 पोटेशियम आयन यहां पर अंदर आ रहे हैं और 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, इस वजह से ये पोलराइज होती है और इसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो यहां पर कितना होता है, तो उस पोटेंशियल को हम यहां देख सकते हैं -70 mV होता है। तो -70 mV जो है वो अपन यहां पर देख सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस तरह से यहां पर हम पहली कंडीशन जो है उसको देख पा रहे हैं, और इसके बाद यहां पर मैं ये देखता हूं कि आगे जो है इस पीडीएफ में क्या बताया गया है कि पोलराइज होने के बाद यहां पर हम रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं इसको बताया गया है। एक डायग्राम भी बताया गया है और उसमें ये बताया गया है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जब डेवलप होगा तो वो कैसे होगा। तो यहाँ हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब एक स्टिमुलस को अप्लाई किया जाता है तो अप्लाई करने के बाद यहाँ मेम्ब्रेन पर एक साइट बता रखी है और उस साइट को हम यहाँ देख सकते हैं, और इस साइट जो है उसको ए कहा है। ए साइट जो है वो परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए। जब परमिएबल हो जाती है सोडियम के लिए तो उसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम का, और रिवर्सल ऑफ पोलरिटी हो जाती है, यानी यहाँ पर पोलरिटी जो है वो उल्टी हो जाएगी, और उल्टी हो जाएगी तो इसका मतलब आउटर नेगेटिव हो जाएगा और इनर पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जब डीपोलराइजेशन होता है उसी समय इम्पल्स ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पोजिशन जो ये ए पोजिशन बताइए वहां पर क्या होता है। तो डीपोलराइजेशन होने के लिए यहाँ पर फिर से मैं इंटरेक्टिव बोर्ड पर आपको ले चलता हूँ और उस बोर्ड पर बात करते हैं हम कि किस तरह से वो इंटरेक्टिव बोर्ड में हम इसको बताएंगे। तो ये इंटरेक्टिव बोर्ड जो है वो आपके सामने आ गया, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक पेज को और ऐड कर लेते हैं, और उस पेज को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर एक पेज और ऐड कर देता हूँ मैं, एड वन पेज। तो यहाँ हम अब देख पाते हैं कि क्या हुआ, इस जगह हम देख रहे हैं कि ये ऐसे सोडियम चैनल जो था उस सोडियम चैनल को यहाँ हम खोल देते हैं, और सोडियम चैनल के बाद यहाँ पोटेशियम चैनल को हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये क्लोज हो गया और इस समय ये पंप जो पहले अभी ओपन था उसको भी क्लोज कर देंगे। तो अब अगर ये सोडियम चैनल जो होता है उस सोडियम चैनल की बात करें तो ये चैनल ओपन हो जाता है। तो ये ओपन होने की वजह से अब इनफ्लक्स होता है सोडियम का, तो सोडियम आयन्स जो है अंदर की तरफ जो है वो इनफ्लक्स इसका हुआ करता है, और इनफ्लक्स होने की वजह से अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसी को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन जब भी होगा उस डीपोलराइजेशन के दौरान ही हम नर्व इंपल्स कंडक्शन को देखेंगे। तो डीपोलराइजेशन होते समय क्या क्या होता है, तो हम देख सकते हैं पोटेशियम चैनल जो होता है वो यहां पर क्लोज होता है, और इसके साथ ही ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो भी यहां पर क्लोज्ड होगा। तो सिर्फ एक ही चैनल ओपन होता है और उसकी वजह से
इनफ्लक्स ऑफ सोडियम वो हुआ करता है, तो ये इनफ्लक्स ऑफ सोडियम वो कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीपोलराइजेशन उसी के कारण इंपल्स जो होती है उसका कंडक्शन होता है, तो इंपल्स कंडक्शन का कारण है ये। तो इसको हम यहां पर ऐसे देख सकते हैं। तो ये अगर आप समझ जाते हैं कि जब भी कभी भी इसके क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको यही करना होगा कि यही पूछा जाएगा कि नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए कौन सा आयन जो होता है, कौन सा आयन चैनल जो है वो जरूरी होता है, तो उसी से रिलेटेड सारी कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई हैं आपसे। हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्व इंपल्स कंडक्शन से वो इसी तरह से होते हैं। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम उसी पर आपको ध्यान देना है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ये देखते हैं कि डीपोलराइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या कंडीशन होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वापस से हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है डीपोलराइजेशन के कारण अक्रॉस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और ये एक्शन पोटेंशियल कितना होता है तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल प्लस 30 होता है। तो प्लस 30 एमवी आने पर ही नर्व इंपल्स कंडक्शन होगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। अब हम जहां पर ये डायग्राम देखा था हमने, तो उस डायग्राम को देखते हैं कि ए और बी साइट, उन बी साइट में ए से जो नर्व इंपल्स है उसको जाना है। तो जाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस साइड पर हो गया है अंदर की तरफ, तो ए साइड में, और उसके आगे वाला छोटा सा सेक्शन और लिया है जिसको हमने बी पार्ट कह दिया है, उसमें अंदर की तरफ अभी माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी करंट फ्लो होता है वो प्लस टू माइनस होता है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन यहाँ पर ए टू बी नर्व इंपल्स कंडक्शन से पहले करंट का फ्लो होगा। जब करंट का फ्लो यहाँ पर ऐसा होगा तो बाहर की तरफ करंट का फ्लो जो होगा वो बी टू ए होगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर एक छोटे सेगमेंट से आगे अगले सेगमेंट पर ये नर्व इंपल्स जो होती है वो ट्रांसमिट होती रहती है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि एट साइड अहेड यानी बी साइड पर आउटर सरफेस पॉजिटिव होती है, इनर सरफेस जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब ये करंट फ्लो को बता रहा है कि करंट फ्लो on the inner surface from side A to B, क्योंकि plus to minus होगा तो A to B जाएगा, लेकिन outer surface पर current flow जो होगा तो outer surface पर आपको ध्यान रखना है कि वो कैसा होगा, from side B to side A। तो ये इसलिए होगा कि एक complete करना है हमें circuit को, तो circuit को complete करने के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से action potential की वजह से ये नर्व इंपल्स आगे चलती है। अब पोलरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि बी साइड पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और ए साइड जो होगी वो वापस से रीपोलराइज हो जाएगी। तो इस तरह से रिपीटेड ये पार्ट चलता रहता है, और राइज इन परमेबिलिटी ऑफ सोडियम वो बहुत छोटा सा होता है, एक्सट्रीम शॉर्ट लिव्ड होता है, और इसके बाद क्विकली followed by a rise in permeability of potassium, इसी की वजह से repolarity आती है। तो इसको हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से इतना आपको ध्यान रखना था। अब synapse जो transmission होता है उसके बारे में आगे बताया गया है। synapse जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, electric और chemical। Generally हम ये देखते हैं कि electric synapse जो होते हैं हमारे नहीं होते, very rare होते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि क्या condition होती है। तो यहाँ हम फिर से उसी बोर्ड पर चलते हैं, और बोर्ड पर चलने के बाद देखते हैं कि इंटरेक्टिव बोर्ड पे क्या देख सकते हैं इसके बारे में, कि दो तरह के जो सिनेप्स होते हैं उन सिनेप्सिस को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम इंटरेक्टिव बोर्ड पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं, एक पेज को ऐड करते हैं। तो ये ऐड वन पेज, और यहाँ देखते हैं कि हम किस तरह से अब
ये बता सकते हैं कि सिनेप्स जो होगा वो कैसे होगा। तो सिनेप्स के लिए हम सबसे पहले इस पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करके फिर इसे बनाते हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह की बात की हमने, इलेक्ट्रिक सिनेप्स एक तो हुआ करता है और दूसरा जो है वो केमिकल सिनेप्स। तो पेन जो है वो चलना बंद हो रहा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है सेल की प्रॉब्लम आई है, तो उसको देखते हैं एक बार। तो हम ये देख सकते हैं कि दो तरह के जो इलेक्ट्रिक और केमिकल सिनेप्स होते हैं वो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बताया गया है एनसीईआरटी के अंदर उसी को लेके चलते हैं एक बार, क्योंकि ऊपर होगा सेल। तो सेल जो है उसको बदल के अभी बात करते हैं यहाँ पर। तो इस पे हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिनेप्स जो होता है वो उसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन्स होती है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं। तो ये अपन ध्यान रखेंगे एकदम एक दूसरे से चिपकी होती हैं, लगभग बहुत कम गैप होता है इनके अंदर। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो सिमिलर टू ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सन होता है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, तो इसको यहाँ पर हम ऐसा देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी होती है कि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि केमिकल सिनेप्स जो होते हैं वो ही हमारे ज्यादा प्रेजेंट होने वाले सिनेप्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। तो केमिकल सिनेप्स जो होता है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो है काम नहीं कर रहा। हाँ, तो केमिकल सिनेप्स जो होते हैं कि वो दो, वापस से मैं इंटरेक्टिव बोर्ड पर चलता हूँ एक बार, उस पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं हम कि केमिकल सिनेप्स और साथ में हम इलेक्ट्रिक सिनेप्स की बात करते हैं। तो पहला वाला मैं इलेक्ट्रिक सिनेप्स बना रहा हूं और इस पे यहां एक एक्सन को बनाया मैंने, ये एक्सन टर्मिनल है और उस एक्सन का जब दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से कॉम्बिनेशन होता है तो यहां पर एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है इन दोनों के बीच में, तो नो न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड। तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर यहां हमें नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं प्रेजेंट होगा। और उसके साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह का सिनेप्स देखते हैं जिसके अंदर दो न्यूरॉन जो होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन में थोड़ा सा गैप होता है और इस गैप को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो ये क्लेफ्ट मौजूद होती है यहां पर जबकि दूसरा अभी आपको इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, आप मुझे बता देते पहले। इंटरेक्टिव बोर्ड जो है वो अब यहां पर आपको शो हो रहा है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि दो तरह के मैंने आपको न्यूरॉन्स बताए, सिनेप्स बताए, और इस सिनेप्स के अंदर हम पहला सिनेप्स जो है वो इलेक्ट्रिक सिनेप्स देख रहे हैं और दूसरे को हम केमिकल सिनेप्स कह रहे हैं।
तो जो इलेक्ट्रिक जो सिनेप्स है उस इलेक्ट्रिक सिनेप्स को यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच में नो न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड है, जबकि यहां सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नर्व इंपल्स कंडक्शन करवाने के लिए केमिकल सिनेप्स के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड है। तो यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिक्वायर्ड होता है। तो यहां मैं ये कह सकता हूं ये रिक्वायर्ड होता है। तो दोनों तरह के जो सिनेप्स हैं उन दोनों में कुछ डिफरेंस हो गया। एक तो यहां पर नो सिनेप्टिक नोब जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स है वहां पर कोई भी सिनेप्टिक नोब नहीं है, ये अपन देख पा रहे हैं, जबकि यहां पर सिनेप्टिक नोब है। केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है, तो इसको हम यहां पर देख पा रहे हैं। दूसरी बात, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, एक एक्सन और दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन के बीच में नो गैप, कोई गैप यहां पर नहीं नजर आ रहा है, जबकि यहां सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर ये एक डिफरेंस और हो गया। फिर न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, यहां पर रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के हैं, ये प्रिमिटिव टाइप के सिनेप्स हैं, जबकि ये जो है ये एडवांस्ड है। लेकिन इस पे हम ये जरूर देख सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के होने के बावजूद भी यहां पर हम देख सकते हैं कि इनमें फास्ट इंपल्स कंडक्शन होता है। तो कंडक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, जबकि यहां कंडक्शन स्लो होता है। तो स्लो कंडक्शन होता है और उसका कारण जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो उसका कारण है न्यूरोट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है यहां पर, इसलिए कंडक्शन स्लो है। तो यूं हम यहां पर देख सकते हैं कि इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हम इस जगह पर देखते हैं कि इंटरेक्टिव बोर्ड जगह फिर से वापस हम NCERT पर चलते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। और तो अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि केमिकल सिनेप्स जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो ये जो बताया जा रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एक स्पेस होता है जिसको फ्लूइड फिल्ड स्पेस कहते हैं, वो प्री सिनेप्टिक न्यूरोन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन के बीच में होता है। अब सिनेप्टिक नोब जो है उन स्वेलिंग्स को कहते हैं जो एक एक्सन के लास्ट एंड पर होता है, उनको हम सिनेप्टिक बटन्स भी कह सकते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ इंपल्स ट्रांसमिशन जो होता है वो कैसे होता है एक न्यूरॉन से दूसरे में। तो एक्सन टर्मिनल तक जो इंपल्स आती है वो इंपल्स सिनेप्टिक वेसिकल जो है उस जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाती हैं और बाइंड होकर रिलीज करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। और न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है तो वो अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाता है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता है और कंबाइन कर जाता है रिसेप्टर पर जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और इस कारण से आयन चैनल्स जो है वो यहाँ पर अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ आयन की, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो इसको हम यहाँ पर फिर से बोर्ड पर ही देखते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड पर, कि ये क्या हुआ। तो इसके अंदर एक पेज को और ऐड कर देता हूँ मैं और उसके बाद इस पे देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने एक बनाना है एक्सन टर्मिनल। तो ये एक्सन टर्मिनल जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। आपको मैं इंटरेक्टिव बोर्ड जो है वो दिखा देता हूँ और इस पे एक्सन टर्मिनल जो है बनाया है। तो ये टर्मिनल बटन है। अब अगर इससे हम सोडियम आयंस का की एंट्री करेंगे तो इस एंट्री के साथ साथ यहाँ पर कुछ कैल्शियम आयंस भी अंदर जाएंगे। तो कैल्शियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सिनेप्टिक नोब कह सकता हूँ।
और सिनेप्टिक नोब जो है उस सिनेप्टिक नोब के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल है, तो इसको मैं सिनेप्टिक वेसिकल कह सकता हूं। तो ये वेसिकल आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें क्या भरा हुआ है तो हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि क्या होता है एसिटिलकोलीन। तो एसिटिलकोलीन यहां पर फिल्ड है। अब इसके दूसरे एंड पर यहां पर ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका डेंड्रॉन मैंने बना दिया, तो यहां ये डेंड्रॉन बना। तो इस डेंड्रॉन वाले पार्ट पे ये यहां पर वेसिकल जो है उसको कैल्शियम आयन जो है वो बर्स्ट करते हैं, इस वेसिकल से यहां रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटिलकोलीन या न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसको मैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह देता हूं। पहले इसके बारे में आपको ध्यान होगा कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो सेपरेट होती है एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, तो यहां प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा यहां पर एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी पोस्ट सिनेप्टिक है और कौन सी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो इस पे हम ये देख पा रहे हैं कि एक्सन का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल जो है उस पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो दिखाई देती है, जबकि दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है दूसरे न्यूरॉन जो है उसके डेंड्रॉन पर दिखाई देती है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से दोनों सेपरेटेड होते हैं। तो ये जो एसिटिलकोलीन रिलीज हुआ है इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो रिसेप्टर्स कहां पर हैं तो वो देख सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही ये एसिटिलकोलीन इससे अटैच होगा यहां पर सोडियम आयन की परमेबिलिटी दूसरे न्यूरॉन में बढ़ेगी, और बढ़ते ही उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फिर से पोलरिटी चेंज होगी, और पोलरिटी चेंज होने से सिनेप्स जो केमिकल सिनेप्स प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ हम इस तरह से इस बात को देख रहे थे और उसी को वापस से मैं लिए चलता हूँ आपको, कि जो बात अभी हमने की थी एनसीईआरटी में लिखी हुई वो क्या था कि इम्पल्स रीचेज एट एक्सनल टर्मिनल, फिर सिनेप्टिक वेसिकल बाइंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैल्शियम की वजह से वो बाइंड हो जाती है, रिलीज वहां होता है न्यूरोट्रांसमीटर, फिर वो जो है क्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट डिफ्यूज होता है और कंबाइंड हो जाता है रिसेप्टर ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वहां ओपन होते हैं आयन चैनल जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन की तरफ जो होती है इम्पल्स वो ट्रांसमिट हो जाती है। इसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कैसे सिनेप्स क्रिया होती है। अब आप तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक्सन पोटेंशियल जो होता है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है, तो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों अपन इसमें देख सकते हैं। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो होता है उसके बारे में आगे बताया गया है कि CNS और उसके बाद PNS में इसको डिवाइड किया गया है। CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में SNS और उसके साथ साथ हम ANS को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं CNS के अंदर ब्रेन में क्या कहा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये प्रोटेक्टेड है ब्रेन क्रेनियल कैविटी के अंदर, और उस पर जो है क्रेनियल मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मेनिंजेस कौन कौन सी हैं, आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल एरेक्नॉइड और उसके बाद पाया मैटर, सबसे इनर पाया मैटर होती है। अब एक सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है यहाँ पर पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में। तो पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में क्या होगा, सब एरेक्नॉइडल स्पेस, और इस स्पेस पर CSF जो होता है वो फिल्ड होता है। इस CSF के बारे में आप ये देख सकते हैं कि इसका ये भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था एक बार, इसका अमाउंट कितना होता है लगभग, तो लगभग 150 ml होता है। और उसके साथ साथ इसके बारे में एक चीज और पूछी गई थी कि जो इसके अंदर हम नॉर्मल सेलाइन जो हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर प्लाज्मा होती है उसी तरह से इसका कंसंट्रेशन होता है आयंस का इसमें। तो यहाँ अपन ये देख सकते हैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब
इस ब्रेन को यहाँ पर बताया गया है, और उस ब्रेन के अंदर जो कैविटीज होती हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स के बारे में आप ध्यान रखना कि वेंट्रिकल्स हमेशा केवल और केवल हार्ट में ही नहीं होते, हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं उसके, और वो टू ही होते हैं मैक्सिमम। अगर यहाँ हम देखें तो ब्रेन के अंदर फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इनके अंदर भी CSF फिल्ड होता है। और उसका कारण भी आप लोगों को पता होगा कि अंदर जो होता है वो इस CSF का फॉर्मेशन होता है एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस में। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फोर ब्रेन जो है उसको और भी कुछ कहा जाता है, प्रोसेंसिफेलॉन भी कहते हैं। इसके अंदर दो पार्ट बताए गए हैं, सेरिब्रम और उसके साथ साथ डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम जो बना होता है वो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर से बना होता है, उसको हेल्ड टुगेदर करने वाला एक ट्रैक्ट होता है नर्व फाइबर का, उसको कार्पस कैलोसम कहते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, और ये यूथीरियन के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। तो करेक्टरिस्टिक है ये यूथीरियन मैमल का, और उसमें कार्पस कैलोसम जो होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। और उसके साथ ही अगर हम ये देखें कि इसके अंदर क्या जो मेटाथीरियंस होते हैं उनके अंदर कार्पस कैलोसम होता है, उनके अंदर होता तो है लेकिन वेल डेवलप नहीं होता, प्रोटोथीरियन के अंदर बिल्कुल नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब सेरिब्रम के आउटर पार्ट को क्या कहा जाता है ये बताया गया है, उसको आपको ध्यान रखना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस का आंसर इस सेशन के तुरंत बाद मैं फिर से दे दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहें, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसको कहा जाता है, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम को, और ये कंपोज्ड होता है ग्रे मैटर का, लेकिन इसमें कन्वल्जन्स और डिप्रेशंस होते हैं। इन कन्वल्जन और डिप्रेशन को सल्काई और गायरी कहते हैं, ये हमें मालूम है और इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर इनर पार्ट जो सेरिब्रम का होता है वो वाइट मैटर से बना होता है, और इसके साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होगा उसके अंदर की तरफ ये वाइट मैटर है, और वो इनर पार्ट जो होता है वो वाइट मैटर से बना हुआ है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एरिया होते हैं, एक तो मोटर एरिया होता है जो वॉलेंट्री मूवमेंट जो मसल्स के होते हैं उसको कंट्रोल करता है, दूसरा सेंसरी या सोमेस्थेटिक एरिया होता है जो कि सेंस ऑर्गन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, फिर कुछ एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं फंक्शन में, तो इनको हम यहाँ पर सबसे ज्यादा देखते हैं। तो ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी और कम्युनिकेशन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये, और इनको आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कुछ इसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि एसोसिएशन एरिया जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो क्लियरली सेंसरी भी नहीं होते ना ही ये मोटर होते हैं, लेकिन उसके बाद इंटरसेंसरी एसोसिएशन जो होता है उसके लिए ये मेमोरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसको ये देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल इंटेलिजेंसी मेमोरी जजमेंट लर्निंग थिंकिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच। तो इन आर्टिकुलेट स्पीच, तो इसको सबको इंटीग्रेट एक्टिविटी के अंतर्गत देखा जा सकता है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। तो यहाँ हम इस तरह से इसको देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ बताया गया है, और उसके अंदर ये बताया गया है कि डायनसेफेलॉन इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट जो है यहाँ पर वो डायनसेफेलॉन है, और उस डायनसेफेलॉन वाले पार्ट को हम यहाँ फिर से देखते हैं कि क्या क्या खास बात है इसमें। एक तो थैलेमस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डायनसेफेलॉन जो होगा उसमें थैलेमस हमें दिखाई देता है, और उसके अंदर हमें क्या बताना है। तो ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है या रिले सेंटर है, रिले स्टेशन है फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। तो सेंसरी और मोटर इम्पल्स जो है उसके लिए ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ये इसे पूछा जाता है। तो रिले स्टेशन है। हाइपोथैलेमस जो है
वो थैलेमस के नीचे की तरफ है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं कि इसके अंदर टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, इमोशंस, ये इसको रेगुलेट करता है। और इस पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी बनते हैं, तो आपको ध्यान है कि हार्मोन्स जो हैं इसमें बना करते हैं ADH, और उसके साथ साथ जो पिट्यूटरी के अंदर दूसरा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से और उसमें स्टोर होता है, वो यहाँ बनता है। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, और ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाले जो और रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं या इनहिबिटरी फैक्टर हैं, उन्हें भी बनाता है। अब इसमें अपन ये देख सकते हैं कि ये स्लीप, वेकफुलनेस, BP, हार्ट रेट, इसको भी कंट्रोल करता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन सारी चीजों को भी कंट्रोल करना जो है वो हाइपोथैलेमस का काम है। अब इस के बाद हम ये कह सकते हैं कि इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर एमाइगडेला, फिर हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ये भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो साथ में मिलकर यहाँ लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम यहाँ पर खास है, और उसको आप ये देख सकते हैं कि ये रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो कहा जाता है, मोटिवेशन एंड इमोशन। तो इमोशन जो होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करने वाला है। तो आप यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम जो है उसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर मिड ब्रेन जो है उसके बारे में बताया गया, और मिड ब्रेन जो होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है उसको बताया गया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और उसके बाद पोन्स के बीच में, इनके बीच में होता है। और एक कैनाल होती है जिसको सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस कहा जाता है, वो भी यहाँ पर मिड ब्रेन से पास होती है। तो पासेस थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है वो 4 राउंडेड लोब से बना होता है, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं। तो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना हमारे यहाँ होता है, जबकि फ्रॉग के अंदर ये 2 लोब का बना होता है, और हमारे जो है ये सॉलिड होते हैं, तो इसके अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होती। और वहाँ अगर फ्रॉग में देखा जाए तो उसमें ऑक्टोसील प्रेजेंट होती है। अब जो एंटीरियर, देयर एंटीरियर पार्ट इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्स, जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें विजुअल रिफ्लेक्स का कार्य होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसमें ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है वो यहाँ पर काम आती है। तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया है मिड ब्रेन के बारे में। अभी मैं इसको इंटरेक्टिव बोर्ड पर लेके चलता हूँ, और फिर देखते हैं हम कि क्या क्या खास बात है इसकी। हाइंड ब्रेन के अंदर बताया गया है कि सेरिब्रम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये इनसे मिलकर बना होता है। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन वो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है उसमें आपको पोन्स पेरोलाई और मेड्यूला इन दोनों से बना हुआ देखना है इसे, जबकि इसके अंदर हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, जो सेरिबेलम है वो इस ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ये क्या करता है तो हम देख सकते हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम का काम करता है, मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है हमारी उसको कोऑर्डिनेट करता है। जबकि पोन्स पेरोलाई जो होता है उसके अंदर फाइबर ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन को। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि ये क्या और करता है कि कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ आई एंड ईयर, वो तो करेगा ही, और उसके साथ रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को भी। तो इस तरह के सेंटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, कार्डियो वेस्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेरिस्टालसिस वगैरह को, और कंट्रोल ये सलाइवेशन को भी करता है, वॉमिटिंग को भी करता है, स्नीजिंग को भी करता है, और कफिंग को भी करता है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर अपन देख सकते हैं। चलिए एक बार वापस से हम इंटरेक्टिव बोर्ड की तरफ चलते हैं, और उस इंटरेक्टिव बोर्ड पे देखते हैं कि इन सारी बातों पे हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं या इनको कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हम एक पेज को और ऐड करते हैं, और वो ऐड करने के बाद हम उस पर कुछ बनाते हैं। तो यहाँ हम एक कलर से ऐसे ब्रेन का पहला पार्ट बनाते हैं, और 4 ब्रेन जो है उसके बारे में हम ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ अपन ये 4 ब्रेन का पार्ट बना रहे हैं, और इस पे कई सारे इस तरह से प्रोजेक्शन और डिप्रेशन से। तो ये जो 4 ब्रेन का पहला पार्ट है, जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि इसको
सेरिब्रम कह सकता हूँ, और ये दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर जो है इसका नंबर 2 होता है, तो इंटरकनेक्टेड होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ये बाय कार्पस कैलोसम। और ये कार्पस कैलोसम जो है वो खास है यूथीरियन मैमल्स के अंदर, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं आप। दूसरी बात, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, और कलर चेंज करके देखता हूँ, इसी के अंदर फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट भी बना हुआ है, इसको हम डाइनसेफलॉन कहते हैं। इस डाइनसेफलॉन का मैक्सिमम जो ऊपरी पार्ट है उसको छोड़ दें, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं, और इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ मैं, और इसको हम डाइनसेफेलॉन कह देते हैं। तो डाइनसेफेलॉन ये हो गया, और ये डाइनसेफेलॉन का वो पार्ट है जो हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो हाइपोथैलेमस ये हो गया, जबकि डाइनसेफेलॉन का दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ है थैलेमस, इसके बारे में हमने बात की, ये थैलेमस है। तो इस डाइनसेफेलॉन का एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो इन दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली बात कि फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा डाइनसेफेलॉन, और इस पे भी पहला डाइनसेफेलॉन का पार्ट ए थैलेमस है और दूसरा हाइपोथैलेमस, इन दोनों पार्ट को यहाँ पर बना पा रहे हैं। तीसरी बात, मिड ब्रेन जो होता है वो यहाँ पर और बना सकते हैं, और इसको यहाँ ऐसे बनाया जा सकता है। इसके अंदर फोर ऑप्टिक लोब्स हैं, ये मिड ब्रेन, तो इस मिड ब्रेन को यहाँ पर हम बना रहे हैं। और इसके जस्ट बाद अगर हम देखें तो फिर हाइंड ब्रेन जो है वो नजर आता है, और इस हाइंड ब्रेन के अंदर हम इस तरह से इस पोर्शन को बना सकते हैं। इसके भी तीन पोर्शन है, और इसमें एक जो है वो है सेरिबेलम, दूसरा पार्ट है ये पोन्स वेरुलाई, तीसरा पार्ट जो है वो है मेड्यूला। तो इनको हम तीनों को अलग यहां पर देख रहे हैं। तो यहां अपन देख सकते हैं कि किस तरह से ये बताया गया है यहां पर कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो इसमें देखने को आ रहे हैं। तो यहां सेरिब्रम को हमने बनाया, इसमें कार्पस कैलोसम जो है वो बना हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, और उसके साथ साथ हम यहां पर देख रहे हैं कि सेरिब्रम के बाद दूसरा पार्ट डाइनसेफेलॉन बनाया हमने, और डाइनसेफेलॉन बनाने के बाद मिड ब्रेन उसको बनाया यहाँ पर, और मिड ब्रेन जो है उसके अंदर फोर ऑप्टिक लोब्स बनाए यहाँ पर, और फिर हाइंड ब्रेन उसको बनाया है जिसके अंदर सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेड्यूला ऑर्बिटा, ये तीन पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अपने को। तो इस तरह से इन पार्ट्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। तो हम आज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक इसको देखेंगे, और देखने के बाद ये पार्ट फर्स्ट जो है वो एक बार आज हम यही विराम देंगे इसको, क्योंकि आगे आपका आज पेपर भी है, तो उस पेपर जो है उसके अंदर भी आपको प्रिपरेशन करनी है। अब कुछ इसके अंदर आप कुछ और इंटरेस्टिंग जो है कुछ बनाने को कह रहे थे, और उसके अंदर कुछ एनिमेशंस वगैरह जो है वो साथ में इन्वॉल्व हो जाए, तो वो लाइव में तो हो नहीं सकता, उसके अंदर अपन उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, और वो प्रोवाइड करने पर आपको ज़्यादा उसके अंदर और कई सारी स्किल्स जो हैं वो दिखाई देंगी, और उसको हम देखेंगे इसमें। तो अभी जो है इस एनसीईआरटी का जो रिवीजन है उसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि उसमें क्या क्या लिखा है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, और उस कारण से इसको हमने यहाँ पर लाइव किया था। बाकी इसके अंदर आप लोग जो है इसको और फास्ट कैसे करें, ये नोट्स आपको अभी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने को मिल जाएगा,
और उसको आप थोड़ी देर में डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि आगे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि ये एनक्लोज होती है विद इन स्पाइनल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की स्पाइनल कैनाल जो है उसके अंदर होता है और प्रोटेक्टेड बाई मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है उससे प्रोटेक्टेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल कैनाल रखती है और उसके अंदर सीएसएफ भरा होता है। तो इसको न्यूरोसील कहते हैं। उसमें आउटर इसमें वाइट मैटर होता है, इनर ग्रे मैटर होता है। तो यहाँ पर वाइट मैटर आउटसाइड होगा जो बिल्कुल विपरीत है ब्रेन जो होता है उसके उससे। तो ब्रेन से उल्टा होता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फंक्शन जो होता है इसका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो इम्पल्स है उसको ब्रेन की तरफ ले जाना है या ब्रेन से लेके आना। तो सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी ये होता है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको हम आज यहीं विराम देते हैं, और विराम देने पर अगला जो इसका पार्ट होएगा उस पार्ट के अंदर विद स्लाइड शोज और उसके साथ अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका और शॉर्ट नोट का तरीका जो है उसको बताने के लिए मैंने आपको लाइव कुछ बताया था, और इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को रखते हुए हम कुछ कर सकते हैं। बाकी जितने भी वीडियोस वगैरह होंगे उसके अंदर हम अनलिमिटेड कुछ चीज़ें जो हैं आपको सिखाने के लिए कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए अब कुछ और लेक्चर्स जो हैं वो आगे आपके सामने लेके आएंगे, और हर सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड भी इसके अंदर कुछ इस लॉकडाउन के दौरान हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू, आप लोगों ने सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करते हुए जाएं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा के जाएं, जिससे आगे चल के हम और भी अपडेट्स आपको दे सकें। तो आज इतना ही, आपसे सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।